Hello everyone, how are you all? So today again I am back with the same classified advertisement. In that series, last time we have learned LOST, how to draft an advertisement, how to draft an advertisement regarding lost item. Now suppose you find something, मान लो कि आपको कुछ मिल जाता है, तो फिर आप कैसे उसको एडवर्टाइजमेंट देंगे और कैसे ओनर को ढूंढेंगे, वो भी आपके कोर्स में है लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी में. तो देखते हैं, मैंने पहले ही प्रश्न लिख के रखा हुआ है, ऐसा कुछ प्रश्न आपके आ सकता है एग्जामिनेशन में. जस्ट सी हियर, सपोज यू फाउंड ए बैग कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सम वेयर ऑन द रोड. बिल्कुल ही उसका उल्टा है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, जस्ट उसका अपोजिट है. Draft a classified advertisement to be published in the newspaper to return it to the owner. Owner को लौटाना है, क्योंकि आप सोचते हो बहुत ही important documents हैं और जिसका भी है उसको ये मिल जाना चाहिए. Of course उसमें उसके नाम अगर सब होगा, लेकिन फिर भी आप directly contact करने के बजाय इस तरीके से लौटाएंगे तो शायद वो सही व्यक्ति के पास पहुँचेगा. इसका एक कारण है, अभी पता लगता है क्यों. Found, 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 ऐसा जैसे पहले lost, lost, lost लिखा था, इस बार हम found, found, found लिखेंगे. ए ब्लैक लेदर बैग, यहाँ तक कि ब्लैक भी मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कर दिया है. क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैं अभी रीजन लास्ट में बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है. ए ब्लैक लेदर बैग वॉज फाउंड बिटवीन कलेक्ट्रेट एंड शिवाजी नगर सर्किल ऑन 23 मई 2020 कंटेनिंग डॉक्यूमेंट. आप पहले वाला अगर देखेंगे ये एडवर्टाइजमेंट, तो बिल्कुल उसका उलट है. आप एक व्यक्ति ने खोया और एक को मिला है, जिसको मिला है वो इस चीज़ को बना रहा है. उसने ना कोई डिटेल दिया है, इसके अंदर कोई डिटेल नहीं दिया है कि आधार कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये है वो है, कुछ भी नहीं दिया है. क्यों? ये तो चलो एक डॉक्यूमेंट की बात है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो बहुत ही कीमती चीज़ हो और आपको मिल गया और आप उसको लौटाना चाहते हो, तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे कि राइट पर्सन कौन है इसका. हाउ टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन हु इज कमिंग टू कलेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम यू इज द राइट वन, इज द एक्चुअल ऑनर ऑफ दैट आइटम. तो एक ट्रेंड है कि बिल्कुल रिवील नहीं करते कि उसमें था क्या. डिटेल हम उससे मांगेंगे कि भाई आपकी कोई चीज़ खोई है तो वो क्या क्या चीज़ खोई थी आप बताएं. उसी लाइन में इसको लिखते हुए इस प्रकार से लिखते हैं, ऑनर ऑफ द बैग मे कलेक्ट इट फ्रॉम मी बाय गिविंग सुटेबल डिटेल्स ऑफ इट. सुटेबल डिटेल्स में सब आ जाएगा, इवन कलर मैंने लिख दिया इस बार कलर, लेकिन कलर भी पूछ सकता है अगर कलर मेंशन नहीं किया गया है. उसमें क्या क्या है आपके, मान लो डॉक्यूमेंट ही था तो क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स, क्या कुछ कैश भी था, कोई और आइडेंटिफिकेशन, इस प्रकार से वो जब तक पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा वो आपको लौटाएगा नहीं, और यही सबसे सही तरीका है. अदरवाइज क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति भी ले जा सकता है. डॉक्यूमेंट का तो खैर कोई बात नहीं, कोई दूसरा ले जा करेगा भी क्या, बट ये सिखाया इसलिए जाता है इस तरीके से जिससे कि कोई कीमती आइटम मिल जाए आपको और आप उसको लौटाना चाहते हो. तो हाउ टू फाइंड आउट दैट राइट पर्सन, इसलिए लाइन इस प्रकार से यूज की जाती है. आई होप आपको इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि क्यों इस लाइन का प्रयोग करना पड़ता है, बाय गिविंग सुटेबल डिटेल्स ऑफ इट. बस काम खत्म हो गया आपका, उसके बाद में आपको अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है. तो मैंने एक एड्रेस क्रिएट कर दिया गया, कॉन्टैक्ट मिस्टर डी के बोस आहोर कॉलोनी. उसी लाइन में दिया है कि भाई शिवाजी नगर चौराहे के आसपास कहीं मिला था और वो आहोर कॉलोनी का निवासी है, वहाँ जा रहा था. अगर जालौर के कॉन्टैक्ट में देखा जाए तो आहोर कॉलोनी जालौर और मोबाइल नंबर, जो कि बहुत ही एसेंशियल है. इस प्रकार से आज हम लोगों ने लॉस्ट और फाउंड वाली कैटेगरी पूरी कर ली. लॉस्ट का इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको करवा दिया और फाउंड का ये हो गया. तो आई होप अब कुछ एक और बच गए हैं जो अभी आगे हमें करना है, तो अगली क्लासेस में कुछ एक और विज्ञापन बच गए हैं उसको हम करेंगे. उसी टाइम में मैं सब्जेक्ट मैटर बताऊंगा. काफ़ी कुछ आप जानते भी हैं, सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस अंग्रेजी में नहीं होने की वजह से दिक्कत आती है. अगर इट इज़ सो ईजी, सो कीप वॉचिंग अगेन एंड अगेन, कीप राइटिंग, यू लर्न, एंड दिस इज गुड स्कोरिंग एरिया फॉर ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेदर ही और सी स्टडीज इन CBSE और RBSE. सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर द डे.